जो काई चक्कर है रे? चक्कर तो हमारे और आपके बीच कोई रहना नहीं चाहिए दादाजी। फिर हटा दीजिए तमंचा। नहीं दादाजी, उठाइए पिस्तौल और मुझे हटा दीजिए। चेतन, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता दादाजी आपके सामने बोलना, पलट के जवाब देना या फिर बहस करना। तो क्यों करता है बहस बेटा? क्योंकि मुझे आपकी बातें गलत लगती हैं दादाजी। वाह बेटा वाह। और आपको मेरी हर बात गलत लगती है। नहीं चेतू, मेरी बात, मेरी सोच, मेरी लड़ाई ऐसी बात नहीं है बेटा। ये सही है दादाजी कि मैंने यहाँ अपने गांव में एक लड़ाई लड़ने के लिए पोस्टिंग करवाई थी, और ये लड़ाई सिर्फ हाकम सिंह को खत्म करने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर गलत काम खत्म करने की लड़ाई लड़ने आया था मैं यहाँ। तो लड़ना। नहीं दादाजी, अपनों से लड़ना और खासकर आपसे लड़ना ये नहीं होगा मुझसे। चेतन, अपना रास्ता बदल नहीं सकता मैं, आपसे लड़ नहीं सकता मैं, तो फिर एक ही रास्ता बचाना। कौन सा रास्ता? कोई बच्चा जब घर के मुखिया की बात काटने लगे, उसके सामने खड़ा हो जाए, तो फिर क्या सजा होती है उसके लिए बड़ी से बड़ी? यही ना कि गर्दन उड़ा दी जाए उस नालायक की? फिर क्या सोचना दादाजी, और क्यों सोचना? लीजिए पिस्तौल और उतार दीजिए मेरे सीने में गोलियां। तेरे सीने में? ये हाथ गोलियां बरसा सकते हैं? अरे जिस सीने में रात रात जाग के मैंने गरम तेल की मालिश की है, वहां गोलियां? दादाजी, बचपन की बातें याद करने से क्या फायदा? रामखोर, बढ़िया नहीं हूं मैं नुक्कड़ वाला जो फायदा या नुकसान देखूं। और सुन, बचपन की बातें तू भूल सकता है, मैं कैसे भूलूं? और इतना बड़ा नहीं हुआ अभी तू? छोड़िए दादाजी। कैसे छोड़ दूं? बचपन में हमेशा मार खा के आता था तू स्कूल से, हमेशा रो के आता था, तब उन छोरे गुंडों पे नहीं चलती थी तुम्हारी दादागिरी, और आज आज इस बुड्ढे पे चलाएगा तू दादागिरी तमंचा दिखा के। दादाजी मैं क्या करूं? लड़ना, तू लड़ना चाहता है तो लड़ बेटा। पर आप क्या? अरे तेरी लड़ाई तेरा धर्म, मेरा बरजना मेरा धर्म, तेरा सोचना तेरा धर्म, और मेरी पंचायत मेरा धर्म। अब इस उम्र में मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? लेकिन तेरी लड़ाई के आड़े में तो कभी नहीं आया ना ये बुड्ढा। तू लड़ बेटा, तू लड़ना चाहता है लड़। के बाद रिलैक्स करने बैठे हैं। नंदिता, तुमने दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी के लिए प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, उसे सेलिब्रेट करने में यहाँ आए, तो फिर यहाँ हमारे तुम्हारे बीच में ये सर क्यों? देखो, यहाँ पे तुम नंदिता हो और मैं अजय। नंदिता, मैं बहुत घबरा गई थी। But tell me one thing,
Why did you ditch me? I didn't ditch you, Nandita. Actually, मैं चाहता था कि तुम अकेले ही जाओ. पर क्यों? नंदिता वही तरक्की करता है जो अकेले मंजिल की तरफ बढ़ता है. अरे एक बार अकेले चल के तो देखो. विश्वास नहीं रखते वो कभी दूसरों पे विश्वास नहीं कर सकते. पर आपको तो अपने आप पर जबरदस्त विश्वास है. तो कर पाया मैं तुम पे विश्वास, तुम्हारी एबिलिटी पे विश्वास, तुम्हारी सक्सेस पे विश्वास. अजय मुझे अपने आप पे विश्वास क्यों नहीं है? तुम्हारी
तेरी जुबान क्यों लड़खड़ाने लग जाती है? अरे शराब तो मैं पी रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस में ही थी। जी कोई संजय चौहान करके है। संजय चौहान फोन लगाओ उसे, हम उसे मिलेंगे। जी चलाते हैं कोई चक्कर वाला साहब।
नमस्ते संजय साहब जी, वो क्या है कि मैं चौहान एंड चौहान कंपनीज की तरफ से भल्ला अर्ज कर रहा था। क्या अर्ज कर रहे थे आप? वो क्या है कि हमारे मालिक है ना चौहान साहब, चौहान तो हम भी है भल्ला साहब। व्हाट ए कोइंसिडेंस, व्हाट ए कोइंसिडेंस, हमारी दिल्ली की यही बात तो कमाल है जनाब। काम की बात करो भल्ला साहब जी। वो क्या है कि हमारे साहब विजय चौहान और आप संजय चौहान, हमारे साहब विजय चौहान आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो जो साहब हमसे मिलना चाहते हैं कम से कम उनकी आवाज तो सुनाइए फोन पर। जी, आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं कर दी मुझे उससे बात, मीटिंग फिक्स करवाओ। जी हेलो, सुन ली साहब, हमने भी उनकी आवाज सुन ली। सुन ली, उन्हें लेकर आइए आप हमारे दफ्तर। जी हेलो, हेलो क्या हुआ? फोन रख दिया। फोन रख दिया? जी, कहने लगे उनको हमारे ऑफिस लेके चले। नहीं नहीं भाई साहब, आप कहाँ जाएंगे उसके ऑफिस? कॉल हिम हियर। तुम और कौन है वो तुम्हारी क्रिएटिव डायरेक्टर? जी नंदिता। हाँ वही, तुमने कमा दिया ना, हाथ में आया वो कॉन्ट्रैक्ट, अब मुझे खुद लेने जाना पड़ेगा उसे। चलो बल्ला साहब, मैं भी चलूँ। पहले सीख लो कमीशन क्या होता है बल्ला साहब से। जी वो नंदिता से बात करनी थी। आप? हम राव वरिंदर प्रताप सिंह। आप? अजय, अजय चौहान। चौहान? या शी इज वर्किंग विद अस। बट शी इज माय वाइफ। आई एम वेरी सॉरी टू बॉदर यू एट दिस आवर, बट इट्स वेरी अर्जेंट। वेरी अर्जेंट? अजय चौहान, सुना रहा है नंदिता? एक गड़बड़ हो गई यार। गड़बड़? कैसी गड़बड़? वो कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? अबे ये कैसे हो सकता है, वो वहां तुम यहां, क्या हंसी मौसम है। विल यू प्लीज लेट मी टॉक पीसफुली। अरे हम किसी का पीस कहां गड़बड़ करते हैं, हम तो अपने घर में अपने मुंह से अपनी बीवी के साथ जोक्स कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 16 में आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में अजय नंदिता को डिनर पे ले जाता है। हेलो, वहां वीरेंद्र परेशान है और पागल के जैसे नंदिता को आवाज देता है और नंदिता को घर में, अजय नंदिता को घर के बाहर छोड़ता है। नंदिता और वीरेंद्र के बीच अजय को लेकर अजय से कॉन्ट्रैक्ट चले जाने का कारण लिबरल एटीट्यूड चौहान एंड चौहान ग्रुप ढंग से बात नहीं करने देते मुझे फोन पे। अरे कितनी बातें करोगी तुम, अजय चौहान नाम के आदमी को मिला सारा दिन ऑफिस में बैठकर संजय के साथ करती रहती हूं, मैं कुछ नहीं बोला है देर रात दिन के साथ साथ रात रात बार उस साथ बैठ के बात करती रहती हूं, मैं तब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तुम्हारे अजय के तो अरे तुम वहीं क्यों नहीं सो जाती हो बातें करते करते ऑफिस में। वीरेंद्र प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन आई है, इसलिए उन्होंने फोन किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गया हूँ? बोल दो अब क्या बोलूं? जो अजय ने बोला स्वीट हार्ट, उन्होंने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था वो चला गया। चला गया? कहाँ चले गया? हु इज दिस इडियट? आई डोंट नो।